सिद्धार्थ सतभाई जवाबों की तलाश में है। वो कई साल से सुराग ढूंढ रहे थे और अब ऐसा ही एक सुराग उन्हें रशिया ले आया है। ये रहस्य भारतवासियों की कई पीढ़ियों को अपनी तरफ खींचता रहा है। किताबें, आरोप, डिबेट्स, इंक्वायरी कमीशंस और कॉन्स्पिरेसी थियरीज का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। ये कॉन्ट्रोवर्सीज आज भी जारी हैं और आए दिन नई नई हेडलाइंस बनाती रहती हैं। आखिर सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ क्या था? सुभाष चंद्र बोस द मिस्ट्री। हमारी आजादी की लड़ाई में कई हीरोज शामिल हैं। इनमें से एक हीरो ऐसा है जो आज भी खबरों में बना रहता है, सुभाष चंद्र बोस या नेताजी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इंडिया इज गोइंग टू बी फ्री। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर भी थे, लेकिन उनकी मौत से जुड़ी मिस्ट्री आज भी उनकी जिंदगी पर हावी है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक वो 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। तो आखिर नेताजी के साथ हुआ क्या था? इस सवाल के साथ कई लोग, जगह और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। आखिर भारत सरकार ने उनकी मौत से जुड़ी फाइल्स को 70 सालों तक दबाए क्यों रखा? जनवरी 2016 में डीक्लासिफाइड की गई फाइल्स में आखिर क्या है? डीक्लासिफाइड की गई फाइल्स तो बस एक शुरुआत है। क्या ये सच है कि इंडिया वापस आने के बाद नेताजी भेष बदल कर एक साधु की तरह रह रहे थे? सुभाष चंद्र बोस ना तो गुमनामी बाबा थे और ना ही शौलमारी साधु। क्या सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश वाले दिन कहीं और थे? सुभाष चंद्र बोस ने 17 अगस्त 1945 की पूरी रात सैगॉन में मेरे दादाजी के घर बिताई थी। वो अगले दिन यानी 18 अगस्त को भी सैगॉन में ही थे। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी, इस बात को लेकर कोई शक नहीं है। लेकिन उनका डेथ सर्टिफिकेट 43 साल बाद क्यों इशू किया गया? क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक था कि नेताजी की मौत उसी दिन हुई जब जापान ने सरेंडर किया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, या कहानी कुछ और थी? मुझे नहीं लगता कि उनकी मौत हुई थी, वो शायद छिप गए थे। आखिर वो कौन सा सच है जिसे सामने नहीं आने दिया जा रहा? 17 अगस्त 1945 की दोपहर इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर सुभाष चंद्र बोस साइगॉन वियतनाम में एक कन्वर्टेड जैपनीज मित्सुबिशी सैली बॉम्बर में सवार हुए। उनके साथ थे उनके एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान और मैंचूरिया में जापान के क्वांटंग आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिडाई। फ्लाइट प्लान के मुताबिक ये लोग ताइवान के एक शहर ताइहोकू जा रहे थे। वहां से इन्हें मैंचूरिया के शहर डायरेन और फिर टोक्यो जाना था, लेकिन प्लेन अचानक वियतनाम के एक शहर टुरेन में रुक गया। अगली सुबह ये प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर से होते हुए टुरेन से ताइहोकू पहुंचा। ताइहोकू में लंच करने के बाद ये लोग दोपहर 2 बजे मैंचूरिया के शहर डायरेन जाने के लिए फिर से प्लेन में चढ़े। अचानक 2000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन में एक धमाका हुआ। बोट इंजन में आग लग गई और प्लेन नीचे आने लगा। ताइहोकू एयरफील्ड लौटने की कोशिश में प्लेन अचानक नीचे गिरा। दो पायलट्स और जनरल शेडाई की फौरन ही मौत हो गई। नेताजी बुरी तरह जल गए और उन्हें ताइहोकू फील्ड हॉस्पिटल ले जाया गया। उस शाम सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। नेताजी, जनरल शेडाई और दोनों पायलट्स का अंतिम संस्कार 20 अगस्त 1945 को ताइहोकू क्रेमेटोरियम में कर दिया गया। ये जापान की तरफ से दिया गया ऑफिशियल बयान है। लंदन के व्हाइट हैट हैकर सिद्धार्थ सतभाई इस प्लेन क्रैश थ्योरी को नहीं मानते।
वो 2012 से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ताइहोकू प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। ताइवान गवर्नमेंट का कहना है कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। साथ ही हमारे पास ऐसे और भी एविडेंस हैं जिनसे पता चलता है कि इस पूरे इंसिडेंट को कवर अप करने की कोशिश की गई। उनके पास ऐसे आई विटनेसेस, नर्सेस, डॉक्टर्स थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे नेताजी का इलाज किया, कैसे उनकी बॉडी पर जलने के निशान थे, और यहाँ तक कि ये भी बताया कि उनके मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था। मुझे ये लगता है कि नेताजी ने जापान की मदद से ये सब खुद ही प्लान किया था। वो अकेले ये सब नहीं कर सकते थे, जापानीज उनकी मदद कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही ब्लैक हैट हैकर्स के एक इंटरनेट ग्रुप एनोनिमस ने सत भाई को कुछ सुराग दिए। शायद वो भी नेताजी से जुड़े सच सामने लाना चाहते हैं। एनोनिमस ग्रुप इस केस में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। वो लोग मेरी मदद कर रहे थे। उनकी मदद से मेरी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बारे में काफी कुछ मालूम था और वो मुझे कुछ एविडेंस देकर इस केस को सॉल्व करना चाहते थे। मुझे एनोनिमस से पहली लीड 2014 के आसपास मिली। मुझे एक ईमेल आया जिसमें एक बहुत ही पुरानी वीडियो क्लिप थी और लिखा था कि उसमें एक इंसान है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। उस क्लिप को 5 या 6 बार देखने के बाद मैं समझ पाया कि एक्चुअली इम्पोर्टेंस सामने दिखने वाले लोगों की नहीं थी बल्कि उनके पीछे खड़े एक इंसान की थी, क्योंकि वो काफी कुछ सुभाष चंद्र बोस जैसे लग रहे थे। जवाब ढूंढने के लिए सत भाई मॉस्को के लिए रवाना हो गए। अगर नेताजी 1945 के उस प्लेन क्रैश में बच गए थे तो उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी कैसे काटी, ये जानने के लिए रशिया की राजधानी एक अहम लोकेशन है। उनके दिल में तो इंडिया बसता था, पर क्या उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी रशियन थी? वो सोवियत रशिया में आजाद थे या एक बंदी थे? शायद मेमोरियल में इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। मेमोरियल मॉस्को में एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां लोग अपने बिछड़े हुए उन परिवार वालों के बारे में जान सकते हैं जिन्हें सोवियत गुलाग भेज दिया जाता था। सोवियत गुलाग साइबेरिया के वो लेबर कैंप्स हैं जिन्हें 1930 में डिक्टेटर स्टालिन ने बनवाया था। इनमें सोवियत कम्युनिस्ट शासन के विरोधियों को देशद्रोही मानकर काम करने और मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उस समय सोवियत यूनियन में फॉरेनर्स ज्यादातर मॉस्को में ही रहते थे। उनसे जुड़े केसेस के रिकॉर्ड्स एफएसबी नाम की ऑर्गेनाइजेशन में रखे गए हैं, जो पहले केजीबी यानी सोवियत सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी, पर यहां से कुछ पता नहीं चला। सुभाष चंद्र बोस के केस में हमें ये पता लगाना है कि क्या उनकी गिरफ्तारी से जुड़े कोई रिकॉर्ड्स हैं? ये भी हो सकता है कि उनके नाम की स्पेलिंग कुछ और लिखी हो या फिर उन्हें किसी दूसरे नाम से रखा गया हो। इन सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना होगा। इसके बाद सतभाई की मुलाकात मॉस्को के नेट फिल्म में ओल्गा से हुई। नेट फिल्म मॉस्को की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रशियन आर्काइव्स की वीडियो फुटेज और तस्वीरों को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दिलवाती है। सतभाई ने ओल्गा को उस फुटेज की क्लिप दी जिसमें ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हो रही पीस टॉक्स के दौरान एक मिस्ट्री इंडियन नजर आ रहा था। सतभाई ने इसे नाम दिया था द ताशकंद मैन। ओल्गा को ओरिजिनल फिल्म रशियन स्टेट आर्काइव में मिल गई। फिर उन्होंने इसे अपनी फिल्म एडिटिंग मशीन पर चलाया और फुटेज को कंपाइल करके डिजिटाइज कर लिया। अब फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए इसे एक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। द ताशकंद मैन को इस तस्वीर में भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के पीछे खड़े देखा जा सकता है। क्या ये सुभाष चंद्र बोस हो सकते थे? अगर हाँ, तो 1945 में उनके गायब होने और 1966 के पीस टॉक्स के बीच क्या कुछ हुआ था? क्या वो इस बीच मॉस्को में ही थे? डॉक्टर पूरबी रॉय भी मॉस्को में रहती आई हैं।
ये मॉस्को यूनिवर्सिटी में एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं। 1994 में कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ने उन्हें भारत और रशिया के रिलेशंस पर आर्काइवल मटेरियल्स जमा करने के लिए रशिया भेजा था, जहां उनकी मुलाकात अलेक्जेंडर कोलेसनिकोव से हुई, जो उस वक्त सोवियत आर्मी के एक मेजर जनरल थे। अलेक्जेंडर कोलेसनिकोव मेरे एक अच्छे दोस्त थे। सोवियत यूनियन के बढ़ जाने के बाद वो मिलिट्री आर्काइव्स के साथ जुड़ गए और उन्होंने कुछ आर्टिकल्स और बुक्स लिखी। अलेक्जेंडर कोलेसनिकोव ने कहा था कि उन्हें GRU या ग्रू मिलिट्री आर्काइव में सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बहुत से पेपर्स मिले थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या वो 1945 के बाद, यानी उस प्लेन क्रैश के बाद, सुभाष चंद्र बोस के जिंदा होने से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा, आप सोच नहीं सकती वहाँ कितने सारे पेपर्स हैं। अथॉरिटीज ने उन्हें बिना पेन या पेपर के वहाँ जाने की परमिशन दी, यानी उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन याद करके लानी थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ नंबर दिमाग में रखें और वहाँ जो लोग थे उनके नाम और डेट याद कर लें। कोलेसनिकोव ने बताया कि अक्टूबर 1946 में एक कैबिनेट मीटिंग में यह चर्चा हुई कि नेताजी के साथ आगे क्या करना चाहिए, और इस मीटिंग में स्टालिन, याकोव मलिक, वाइशिंस्की और मोलोटोव भी शामिल थे। मॉस्को में अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूर्वी रॉय को, जो आर्काइव्स में सीक्रेट मटेरियल्स मिले, वो अब रिसर्चर्स की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। ये सीक्रेट फाइल्स पोडोल्स्क में और मॉस्को में पूर्व सोवियत सीक्रेट पुलिस या KGB के हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के श्री जयंता रॉय 1990 के आखिरी सालों में एक भारतीय पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ मॉस्को गए थे। उनकी मुलाकात भी कोलेसनिकोव से हुई। अलेक्जेंडर कोलेसनिकोव ने हमें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए। नेताजी मॉस्को में आजाद हिंद गवर्नमेंट की एम्बेसी में थे। वो फोटोग्राफ्स 1946 की थी, तो 18 अगस्त 1945 वाली ये कहानी सही नहीं हो सकती। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश रूल को चुनौती देते हुए 1943 में सिंगापुर में गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन एग्जाइल की स्थापना की। इस गवर्नमेंट को सोवियत यूनियन ने मान्यता दी थी, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था। तो क्या इसी बात ने नेताजी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी और 1945 में वॉर खत्म होने के बाद वो स्टालिन के रशिया में सेफ रह पाए? मुझे लगता है कि USSR और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक सीक्रेट पैक्ट था। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? क्योंकि इंडिया में उस वक्त जो कुछ हो रहा था उससे ग्रेट ब्रिटेन खुश नहीं था और वो हालात को पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दे सकता था। सुभाष चंद्र बोस के गायब होने को उनकी मौत नहीं कहा जा सकता। मुझे भी लगता है कि वो डिसअपीयर हो गए थे। लेकिन 1953 में स्टालिन की मौत के बाद क्या नेताजी के लिए हालात बदले? मुझे लगता है कि स्टालिन की मौत के बाद पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया था, इसलिए एशिया और इंडिया की तरफ सबका एटीट्यूड भी बदला। अगर इस वर्जन पर यकीन करें तो मुझे इस बात पर डाउट होता है कि सोवियत यूनियन को सुभाष चंद्र बोस की जरूरत थी। स्टालिन की मौत के बाद सोवियत यूनियन के लिए सुभाष चंद्र बोस की इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं रही थी। उनकी अहमियत तो बस स्टालिन के दौर में ही थी। नेताजी मॉस्को में 1945 से 1953 तक, यानी स्टालिन की डेथ तक थे, और हम कह सकते हैं कि वो स्टालिन की कस्टडी में थे। नए सोवियत यूनियन में क्या सुभाष चंद्र बोस की अहमियत नहीं रही थी, और क्या उन्हें मार दिया गया था या गुलाग भेज दिया गया था? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के को-फाउंडर अबानी मुखर्जी समेत 45 भारतीयों को स्टालिन के ऑर्डर पर 1937 और 1939 के बीच गोली मार दी गई थी। नेताजी के साथ क्या हुआ? इन सवालों के जवाब कहीं मॉस्को की लुब्यांका प्रिजन के सीक्रेट रिकॉर्ड्स में तो मौजूद नहीं?
इस बीच सात भाई एक सनसनीखेज दावे को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर ये दावा साबित हो गया तो इससे प्लेन क्रैश वाली थ्योरी झूठी साबित हो सकती है। सिद्धार्थ सतभाई 1966 के फिल्म क्लिप की एक डिजिटल कॉपी लेकर मॉस्को से लंदन लौट आते हैं। इस फिल्म में एक मिस्ट्री मैन है जिसे सतभाई ने नाम दिया द ताशकेंट मैन। इस नाम को लेकर काफी हेडलाइंस बनी, लेकिन यह बड़ा सवाल अब भी बाकी था कि क्या ये ताशकेंट मैन ही सुभाष चंद्र बोस थे। वो पूरी तरह बोस जैसे नहीं लग रहे थे, लेकिन क्या ऐसा प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हो सकता था? तस्वीरों के फोरेंसिक फेशियल एनालिसिस से जवाब मिल सकता था। सतभाई लंदन से ट्रेन पकड़कर इंग्लैंड के उत्तर में मौजूद यॉर्क नाम के एक शहर में जाते हैं। यहां वो मिले फोरेंसिक स्पेशलिस्ट लीन मिलर से। मिलर पहले ब्रिटिश आर्मी के सिग्नल्स रेजिमेंट में काम कर चुके हैं। अब यॉर्क्स के बाहर उनकी एक फोरेंसिक लेबोरेटरी है। मिलर इस विजुअल एविडेंस का एनालिसिस करते हैं। वो नेताजी और द ताशकेंट मैन की पिक्चर्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं था। पर मिलर ने यह नतीजा निकाला कि नेताजी और द ताशकेंट मैन के एक ही इंसान होने की संभावना काफी ज्यादा है। यह ऐसी पहली साइंटिफिक स्टडी थी जिसके हिसाब से द ताशकेंट मैन ही शायद सुभाष चंद्र बोस थे। तो अगर सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1966 की ताशकेंट पीस टॉक्स में मौजूद थे, तो हम अब भी ये कैसे मान सकते हैं कि 1945 के एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी? नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू चंद्र कुमार बोस प्लेन क्रैश थ्योरी पर सवाल उठाते हैं। उनके दादा शरद चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। वो एक जाने माने वकील भी थे। हबीबुर रहमान, शायद प्लेन क्रैश थ्योरी को साबित करने के लिए मेन विटनेस थे, और वो 1946 में मेरे दादा शरद चंद्र बोस से मिलने कोलकाता आए थे। वो अपनी INA यूनिफॉर्म में थे। सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई 3rd degree बर्न से। जनरल शेडाई भी मारे गए, कई और लोग भी मारे गए, लेकिन हबीबुर रहमान प्लेन से सेफली बाहर कूद गए। हबीब का कहना था, मैंने सुभाष को बचाने की कोशिश की, मैं आग बुझाने के लिए पीछे से उनसे लिपट गया। मेरे दादा ने उनसे पूछा, हबीब आपने क्या पहन रखा था? वो बोले, क्यों सर, यही यूनिफॉर्म पहनी थी। तो उन्होंने पूछा, यही वाली यूनिफॉर्म? हबीब बोले, हाँ यही, लेकिन उस पर जलने के कोई निशान तक नहीं थे। हबीब ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त ये घड़ी पहन रखी थी जिसके स्ट्रैप पर जलने के हल्के से निशान थे। मेरे फादर उस घड़ी को लंदन की एक लैब में ले गए और उसकी टेस्टिंग करवाई। पता चला कि वो निशान आग का था ही नहीं, घड़ी के स्ट्रैप पर एसिड लगाया गया था। नेताजी ऐसी घड़ी कभी नहीं पहनते थे। मेरे दादा ने मेरे फादर से कहा, हबीब सच नहीं बोल रहा है, वो वही बोल रहा है जो उसका लीडर उसे बुलवाना चाहता है। 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुखर्जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई। भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस मनोज मुखर्जी इस इंक्वायरी के हेड थे। इस कमीशन का मकसद था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को इन्वेस्टिगेट करना। 7 सालों तक ताइवान, जापान और रशिया में सबूत ढूंढे जाते रहे। इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल थी। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइपे में प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, जैसा कि माना जाता था। प्लेन क्रैश तो नेताजी के बच निकलने के लिए जापान की मदद से चली गई एक चाल थी। टोक्यो के रिंकोजी टेम्पल में रखी गई जिन अस्थियों को सुभाष चंद्र बोस की बताया जाता है, वो असल में एक जापानी सोल्जर इचोरो ओकुरा की है।
सुभाष चंद्र बोस के एक और ग्रैंड नेफ्यू आशीष रे एक जर्नलिस्ट हैं जो लंदन में रहते हैं। वो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है। भारत सरकार ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। पहली बात ये कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जो 6 लोग क्रैश में जिंदा बच गए वो इस हादसे को सच बताते हैं। दूसरी बात, जब नेताजी की अस्पताल में मौत हुई तब उनके साथ 5 और लोग थे और उन सभी ने ये कंफर्म किया कि उन्होंने नेताजी को दम तोड़ते देखा था। तीसरी बात, ताइपे में हुए उनके क्रीमेशन के कम 3 आई विटनेसेस हैं और ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि वो नेताजी की अस्थियां लेकर ताइपे से टोक्यो गए थे। दूसरी थ्योरीज को इन्वेस्टिगेट करते हुए मुखर्जी कमीशन ने ये दावे रिजेक्ट कर दिए कि फैजाबाद के भगवान जी या गुमनामी बाबा या बंगाल के शॉलमरी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे जो भेस बदलकर जी रहे थे। मैं सुभाष बोल रहा हूं। पूरे 1 साल से मैं खामोशी। जनवरी 1967 में रेडियो मॉस्को की हिंदी सर्विस ने ताशकंद से किसी सुभाष चंद्र का भाषण रिले किया। इस घटना का जिक्र एक हिंदी अखबार विश्व नेता में छपा जिसे लेकर भारत की संसद में सवाल उठे। हाल ही में डीक्लासिफाइड किए गए बोस पेपर्स के मुताबिक भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए एक इंक्वायरी शुरू की, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि यह ब्रॉडकास्ट किसने किया था। रशियंस ने इस भाषण की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग मुहैया नहीं कराई, यानी इंक्वायरी का कोई पुख्ता नतीजा नहीं निकला। सुभाष चंद्र बोस की मौत या गायब होने से जुड़ी कंट्रोवर्सी जारी रहती है और ये राज और गहरा जाता है। लेकिन भारत के लिए सुभाष चंद्र बोस की इतनी अहमियत क्यों है? भारत की आजादी की लड़ाई में उनका रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? इन सवालों के जवाब क्या उन दिनों के हालात में छिपे हैं या उनकी जिंदगी के रहस्यों में? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक के एक अमीर बंगाली परिवार में हुआ था। कलकत्ता में फिलॉसफी में बीए करने के बाद वो 1919 में कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। सिद्धार्थ सतभाई भी वहां जाते हैं। कैम्ब्रिज में नेताजी ने फिट्स विलियम हाउस के फिट्स विलियम हॉल में मॉरल साइंसेस की पढ़ाई की। आज इसे फिट्स विलियम कॉलेज के नाम से जानते हैं। कॉलेज आर्काइविस्ट ने कैम्ब्रिज में नेताजी के वो रिकॉर्ड्स दिखाए जो किसी ने कभी नहीं देखे थे। ये हैंड रिटन रिकॉर्ड्स इस बात का सबूत है कि मिस्टर बोस ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी और 19 नवंबर 1919 को उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही अपनी डिग्री हासिल की। यूनिवर्सिटी के ये रिकॉर्ड्स भी यही प्रूव करते हैं। कैम्ब्रिज में नेताजी ने जो साल गुजारे उनका उनके राष्ट्रवादी विचारों पर गहरा असर पड़ा होगा। उनके पिता ने भी राय बहादुर का अपना टाइटल अंग्रेजों को लौटा दिया था और नेताजी ने भी इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने से मना कर दिया। ये भारत में क्रांति का दौर जो था। ।1882 में बंकिम चंद्र के नॉवेल आनंद मठ ने बंगाल में ब्रिटिश के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना दिया। नॉवेल से इंस्पायर होकर स्वामी प्रणवानंद ने 1917 में भारत सेवाश्रम संघ बनाया। वो अनुशीलन के एक सदस्य भी थे जो जुगांतर जैसी सीक्रेट सोसाइटीज के साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। स्वामी प्रणवानंद के बोस फैमिली से अच्छे रिश्ते थे। अनुशीलन और जुगांतर जैसी सीक्रेट सोसाइटीज में फ्रीडम फाइटर्स अंडरग्राउंड रहकर देश को आजाद कराने की एक्टिविटीज चलाते थे। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बढ़ने और महात्मा गांधी के आने से मास पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, तो अनुशीलन और जुगांतर का हिस्सा रहे बहुत से लोग मास मूवमेंट का भी हिस्सा बन गए। अनुशीलन और जुगांतर में बड़े नामी लेफ्ट विंग मेंबर्स थे जतेंद्रनाथ मुखर्जी या बाघा जतेन, ब्रिटिश रूल का विरोध करने वाले जाने माने लीडर थे। 1909 और 1915 में उन्होंने जर्मन्स की मदद से ब्रिटिशर्स को निशाना बनाया। मकसद था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में विद्रोह पैदा करना, लेकिन वो दोनों कोशिशों में नाकामयाब रहे। पर विद्रोह की भावना लोगों में बस चुकी थी। क्रांतिकारियों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मौजूद विद्रोहियों से और ब्रिटेन के दुश्मनों से मदद की जरूरत थी, और नेताजी ने बिल्कुल यही किया। ब्रिटिशर्स ने उन पर नजर रखी थी। कैम्ब्रिज में भी कर्नल ह्यू टॉय के मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 2 ने उन पर कड़ी नजर रखी। कर्नल ह्यू टॉय ब्रिटिश इंटेलिजेंस में थे। वो हमेशा कहा करते थे कि वो MI2 ग्रुप में थे, पर मुझे लगता है कि वो MI5 एजेंट थे। 1943 के बाद से ही टॉय को नेताजी का पीछा करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। वो नेताजी के पीछे पीछे कैम्ब्रिज से साइगांव गए और 1945 के बाद भी ऐसा करते रहे। उन्होंने नेताजी को अरेस्ट करने और INA के पैसे को सील करने के ऑर्डर दिए थे। नेताजी से जुड़ी ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस की फाइल्स आज भी क्लासिफाइड हैं। ।1920 में कैम्ब्रिज में अबानी मुखर्जी ने सुभाष चंद्र बोस को मॉस्को में 4th कांग्रेस ऑफ द कॉमिंटर्न में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया, लेकिन नेताजी को गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल होने के लिए भारत लौटना था। अबानी मुखर्जी ने इसी साल ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। ब्रिटिशर्स उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, इसीलिए अनुशीलन की मदद से वो चोरी छिपे भारत पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस से उनकी कई मीटिंग्स हुई। बंगाल कांग्रेस लेफ्ट आइडियोलॉजीज की तरफ काफी झुक चुकी थी, और कुछ हद तक सुभाष चंद्र बोस में भी बंगाल कांग्रेस के लेफ्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। 1938 में नेताजी कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गए। तब तक अबानी मुखर्जी की मौत हो चुकी थी। नेताजी ने जुगांतर और अनुशीलन के दूसरे लेफ्टिस्ट मेंबर्स को कांग्रेस में शामिल कर लिया, जिनमें से एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के को फाउंडर MN रॉय भी थे। 1939 में इन लेफ्टिस्ट मेंबर्स की मदद से सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन महात्मा गांधी की सहमति ना होने की वजह से उन्हें वो पद छोड़ना पड़ा। उसी साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, लेकिन सोवियत यूनियन और जर्मनी पहले ही एक नो वॉर पैक्ट पर साइन कर चुके थे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के हिसाब से जर्मनी और रशिया इस बात पर सहमत थे कि अगर ब्रिटिश पावर कोलैप्स करती है तो भारत का झुकाव रशिया की तरफ बढ़ जाएगा। अगर वो जेल में मर गया तो देश में हंगामा मच जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं सर, वो किसी की सुनता ही नहीं है। सुभाष की मौत सुभाष के जिंदा रहने से ज्यादा खतरनाक साबित होगी। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन जिंदा रह पाएगा। तो उसे आजाद कर दो, घर जाने दो उसे। क्या? लेकिन याद रहे, उस पर हमारे आदमियों की नजर होनी चाहिए हमेशा, हर वक्त। जुलाई 1940 में देशद्रोह के आरोप में कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट में रखा गया। इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर अच्चर सिंह चिन्ना, जिन्हें रशियंस ने लार्किंस का कोड नेम दिया था, वो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी एक रिपोर्ट स्टालिन को देने मॉस्को गए। उन्होंने नेताजी को एक की प्लेयर बताया। जब भी कम्युनिस्ट लीडर्स स्टालिन से मिलते थे तो वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जरूर बात करते थे। वो नेताजी को पसंद करते थे, पर जवाहरलाल नेहरू को नहीं। नेताजी ने हाउस अरेस्ट के दौरान वहां से निकलने के बारे में सोचा। वो कलकत्ता से निकलना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता वो गायब हो जाए। मेरे हाथ में होता तो मैं पूरी जिंदगी उसे जेल में रखता।
पर नेताजी भारत से भागने का प्लान बना चुके थे। 17 जनवरी 1941 की आधी रात के बाद नेताजी एल्गिन रोड कलकत्ता के अपने घर से चुपचाप निकल गए। सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू अभिजीत रे बता रहे हैं कि नेताजी किस तरह उस दिन लोगों की नजरों से बच निकले थे। द ग्रेट एस्केप का प्लान बनाया था नेताजी के बड़े भाई श्री शरद चंद्र बोस ने। उन्होंने अपने दो साथियों को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी भेजा था ताकि भागने के रास्ते और तरीके को समझा जा सके। उस रात अपने घर से अपनी कार निकालने के बाद वो हावड़ा गए और वहां से जीटी रोड के रास्ते ये लोग धनबाद में बरारी नाम की एक जगह गए। 18 जनवरी की रात उन्होंने गोमो से कालका मेल पकड़ी और पेशावर चले गए। पेशावर से वो काबुल गए। फरवरी 1941 में अच्चर सिंह चिन्ना ने भगत राम तलवार की मदद से सुभाष चंद्र बोस को बॉर्डर पार करवाकर काबुल भेज दिया। काबुल में कॉन्टैक्ट्स की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने एम्बेसडर पियट्रो क्वारोनी से एक इटालियन पासपोर्ट हासिल कर लिया। एक्चुअली क्वारोनी ने ही नेताजी की अफगानिस्तान से निकलने में मदद की थी क्योंकि नेताजी की वाइफ एक सोवियत रशियन थी। इधर ब्रिटेन के एक स्पेशल ऑपरेशंस एजेंट को टर्की के रास्ते यूरोप जा रहे सुभाष चंद्र बोस को रास्ते में ही खत्म कर देने के ऑर्डर्स मिले। उन्हें डर था कि नेताजी विदेश में तैनात ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों में विद्रोह पैदा कर सकते हैं, लेकिन नेताजी एक नई इटालियन पहचान के साथ बर्लिन जा रहे थे। सत्रह जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में अपने घर से चुपचाप निकल भागे। फिर उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। वो कालका मेल में बैठकर गोमो से पेशावर तक पहुंचे। पेशावर से अपने गाइड भगत राम तलवार के साथ नेताजी पैदल काबुल में दाखिल हुए। काबुल से नेताजी कार चलाते हुए तरमेज से होकर समरकंद पहुंच गए। समरकंद से वो सोवियत रेल नेटवर्क के जरिए मॉस्को पहुंच गए और मॉस्को से लुफ्टवाफे एयरक्राफ्ट से वो बर्लिन जर्मनी के टेम्पलहॉफ एयरपोर्ट जा पहुंचे। अप्रैल 1941 में सुभाष चंद्र बोस काउंट ऑरलैंडो मजोटा नाम के एक इटालियन के आइडेंटिटी पर जर्मनी पहुंच गए। नेताजी 1933 और 1938 के बीच कई बार बर्लिन और ऑस्ट्रिया आ चुके थे। वियना में उनकी एमिली शैंकल नाम की ऑस्ट्रियन पत्नी थी। जर्मन्स ने मजोटा के भेस में आए नेताजी की अच्छी खातिरदारी तो की, पर उन्हें उस इंसान तक नहीं पहुंचने दिया जिसकी मदद नेताजी को चाहिए थी, एडॉल्फ हिटलर। एक तरफ सोवियत यूनियन नेताजी की मदद कर नहीं सकता था या करना नहीं चाहता था, दूसरी तरफ जर्मनी ने सोवियत यूनियन के साथ भारत में इंटरफेयर ना करने का पैक्ट साइन कर रखा था। लेकिन हालात जल्दी ही बदलने लगे। जून 1941 में नाजीज ने रशिया के साथ किए अपने नो वॉर पैक्ट को तोड़कर उस पर हमला कर दिया। हिटलर का प्लान अब जर्मनी का दायरा बढ़ाने का था। रशिया के बाद अब ब्रिटिश रूल वाले भारत पर भी कब्जा किया जाना था। सुभाष चंद्र बोस ने प्रपोजल रखा कि वो जर्मनी में इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की एक रेजिमेंट बनाएंगे। वो 40,000 कैदियों में से 3,000 भारतीय सैनिकों को इस काम के लिए चुनने में कामयाब भी हो गए।
नेताजी की फ्री इंडियन लीजन अब जर्मन आर्मी की एक रेजिमेंट बन गई, जिसका नाम था वेयरमाख्त। 1940 के शुरुआती सालों में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रेस ज्यादा नहीं फैली हुई थी और लोगों की राय पर असर डाला जाता था प्रोपेगेंडा से, और उस प्रोपेगेंडा में इस तरह के पोस्टर्स भी शामिल होते थे। यहां INA और एक्सिस पावर्स ब्रिटिशर्स और उनके अलाइज को पछाड़ते दिख रहे हैं। 1942 की गर्मियों में आखिरकार सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हिटलर से हो ही गई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। फिर कई महीने बाद हिटलर की नाज़ी आर्मी बैटल ऑफ स्टालिनग्राद हार गई। भारत पर जर्मनी के हमले के सारे प्लान्स रद्द हो गए। अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए नेताजी के पास जापान के साथ अलायंस करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। उस वक्त साउथ ईस्ट एशिया में जापान सबसे ताकतवर माना जाता था। ब्रिटिश प्रोपेगेंडा ने सुभाष चंद्र बोस के इस नए अलायंस को गंभीरता से नहीं लिया था। 1942 में करीब 40,000 इंडियन सोल्जर्स की एक फौज ने मलेशिया और सिंगापुर में जापान के सामने सरेंडर कर दिया। कैप्टन मोहन सिंह इन सोल्जर्स को इंडियन नेशनल आर्मी में ले आए, लेकिन लीडरशिप को लेकर बंगाल के रेवोल्यूशनरी राज बिहारी बोस के साथ उनके मतभेद थे, जो अब एक जापानीज सिटीजन थे। सुभाष चंद्र बोस उनका अकेला ऑप्शन बनकर उभरे। जापान ने हिटलर को इस बात के लिए मना लिया कि वो एक बिल्कुल नई सबमरीन ट्रांसपोर्ट कराए ताकि नेताजी को उसमें बिठाकर जर्मनी ले जाया जाए। ये सबमरीन फरवरी 1943 में नेताजी और उनके साथी आबिद हुसैन को लेकर कील से रवाना हुई थी। ये सबमरीन छुपते छुपाते अटलांटिक ओशन से होकर मेडागास्कर पहुंची। यहां नेताजी जापान की एक सबमरीन में आ गए, जिसने उन्हें सुमात्रा में छोड़ दिया। तब सुमात्रा जापान के कंट्रोल में था। जापान के प्राइम मिनिस्टर जनरल टोजो से मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस सुमात्रा से प्लेन में टोक्यो पहुंचे। जनरल टोजो नेताजी से बहुत इंप्रेस हुए और वो भारत को आजाद करवाने की कोशिशों में नेताजी की मदद करने को तैयार हो गए। 2 जुलाई 1943 को नेताजी टोक्यो से सिंगापुर पहुंचे। यहां राज बिहारी बोस ने नेताजी को इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद की प्रोविजनल गवर्नमेंट दोनों का हेड बना दिया। 7 जनवरी 1944 को फील्ड मार्शल तेराउची की लीडरशिप में सदर्न जापानीज आर्मी ने बर्मा से भारत पर हमला कर दिया। INA इस हमले का हिस्सा थी। फरवरी 1944 में INA भारत के अराकान और इम्फाल सेक्टर्स में दाखिल हो गई। लेकिन इस जीत की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। मई 1944 तक जंग के हालात जापान और INA के खिलाफ हो गए। ब्रिटेन के पास फाइटर प्लेन्स थे और साथ ही जापान की सप्लाई लाइंस भी टूट गई, जिससे उनकी आर्मी कमजोर होती जा रही थी। खराब मौसम और मलेरिया ने मुश्किलें और बढ़ा दी। जुलाई आते आते INA और जापान की सेना एक साथ इंडियन टेरिटरी से हटने लगी। एक साल से भी कम समय में INA के ज्यादातर सैनिकों ने रंगून में ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर कर दिया। नेताजी बैंकॉक लौट गए। अब ये जंग आगे कैसे जारी रहने वाली थी? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिरा दिया। 3 दिन बाद नागासाकी पर भी बॉम्ब गिराया गया और सोवियत यूनियन ने मंचूरिया पर भी हमला कर दिया। हालांकि एशिया के दूसरे हिस्सों में जंग अभी भी जारी थी, लेकिन जापान ने सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से नेताजी के इरादे को गहरी ठेस पहुंची। अब उन्हें अपने मकसद में जापान से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद नेताजी को भारत की आजादी की लड़ाई तो जारी रखनी ही थी, जिसके लिए उनके पास अब एक ही रास्ता बचा था, सोवियत यूनियन की शरण में जाना।
ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है कि 18 अगस्त 1945 यानी उनकी मौत या गायब होने के बाद नेताजी का क्या हुआ, लेकिन ये साफ है कि लोगों की नजरों से दूर रहते हुए भी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी की लड़ाई को जारी रखा। ऑफिशियली तो ब्रिटिशर्स ने प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत को मान लिया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने नेताजी की खोज जारी रखी। ऑथर और हिस्टोरियन प्रशांत मोरे अपना वक्त पेरिस और पांडिचेरी में बिताते रहते हैं। ये बताते हैं कि इनके ग्रैंडफादर लियोन प्रुशोंडी, जो साइगॉन में रहते थे, वो साउथ ईस्ट एशिया में नेताजी के ऑपरेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। लियोन प्रुशोंडी मेरे नाना थे। जहां तक फ्रेंच इंडो चाइना की बात है, लियोन प्रुशोंडी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के मेन फाइनेंसर्स में से एक थे। उन्होंने सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के फंक्शनिंग के लिए न सिर्फ अपना घर दे दिया था, बल्कि परिवार के लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने INA मूवमेंट और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को लाखों रुपए भी दिए थे। 1943 की गर्मियों में नेताजी साइगॉन गए, जहां तब फ्रेंच रूल था। लियोन प्रुशोंडी ने उनके गले में सोने की एक नेकलेस पहनाई। इससे इन दोनों का रिश्ता और ट्रस्ट और भी मजबूत हो गया। साइगॉन में बहुत से अमीर भारतीय रहते थे और भारत की आजादी के लिए चलाए जाने वाले इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और INA के ऑपरेशंस के लिए प्रुशोंडी उन पर डिपेंड करते थे। मुझे अपनी माँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने 17 और 18 अगस्त 1945 की रात टुरेन में नहीं बिताई थी, जैसा कि माना जाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिस दिन नेताजी टाइपे के प्लेन क्रैश में मारे गए थे, मोरे के हिसाब से उस दिन नेताजी वहां थे ही नहीं, वो तो साइगॉन में लियोन प्रुशोंडी के बंगले में थे। नेताजी ने INA के ढेर सारे पैसों को प्रुशोंडी को सौंप दिया था। अठारह अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया। वियत मिन कहलाने वाले वियतनामीज फ्रीडम फाइटर्स ने अब जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन की जगह ले ली। 2 सितंबर 1945 को मेजर जनरल डगलस ग्रेसी 20th इंडियन डिवीजन को कमांड करते हुए साइगॉन पहुंचे और वहां उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। कई दिन बाद सुभाष चंद्र बोस को ढूंढते हुए कर्नल ह्यू टॉय साइगॉन में नजर आए। कर्नल ह्यू टॉय मुझे अपने घर ले गए। फिर उन्होंने एक ड्रॉर खींची। ये पूरी ड्रॉर ढेर सारी फाइलों से भरी पड़ी थी। मैं उन्हें उठाने लगी। वो बोले, बस इन्हें देख लो, आप इन्हें न छू सकती हैं न पढ़ सकती हैं। ये सब सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हैं। वो मुझसे कहने लगे कि उनके पास कितना पैसा रहा होगा पता है। टिन प्लांटेशंस की कीमत, रबर प्लांटेशंस की कीमत, चट्टियार्स ने उन्हें कितना दिया। मैंने पूछा कितना पैसा होगा। जवाब था इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब 72,000 करोड़। वियत मिन ने यह पहचान कर ली कि प्रुशोंडी ही सुभाष चंद्र बोस और INA के लिए मुख्य रूप से पैसा जुटाया करते थे। मोरे को लगता है कि लियोन प्रुशोंडी को पहले अंग्रेजों ने और उसके बाद फ्रांसीसियों ने 3 महीने तक लगातार तकलीफें दी थी। बाद में साइगॉन के बॉट कचिनाट में फ्रेंच सीक्रेट पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया था, लेकिन अपनी जिंदगी के बाकी 21 वर्षों में प्रुशोंडी ने एक शब्द तक नहीं बोला। साइगॉन में उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया। उनकी फैमिली पांडिचेरी आकर बस गई, जहां उनकी बाकी की जिंदगी गुमनामी में बीती। प्रुशोंडी की जिंदगी से जुड़ा ये पहलू सुभाष चंद्र बोस के राज को और ज्यादा गहराता है। हाँ, अगर इंडिया की तरफ से रशिया के प्रेसिडेंट के पास एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट आती है, तभी सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे, पर तब तक हम ऑफिशियली कुछ कह नहीं सकते। क्या नेताजी 18 अगस्त 1945 के बाद रशिया में थे? क्या वही द ताशकंद मैन है? अगर हाँ, तो वो भारत क्यों नहीं लौटे? शायद इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटेन के प्रभाव में था। क्या एक्सिस पावर्स से मदद लेकर नेताजी ने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ